गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। सुहाना आर्ट क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं दूसरे कलाकार के जीवन परिचय के साथ आप सभी के लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं ये जो जीवन परिचय है वह रीता प्रताप की बुक से पढ़ाती हूँ, और यह है वह रीता प्रताप की भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास की बुक, जिसको कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पढ़ाने का विषय है शैलेंद्रनाथ डे, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम इनके जीवन परिचय को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मानव जीवन के मूक भावों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने वाली कला ही एक चाक्षुष माध्यम है, यह कहना था किसका, कलाकार शैलेंद्रनाथ डे का। अब हम इनके जन्म के बारे में और कुछ शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर, क्या और कैसे हुई। जन्म एवं शिक्षा। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। उनकी कला शिक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं कला मर्मज्ञ अवीन्द्रनाथ ठाकुर की छत्र छाया में कोलकाता में हुई। तो उनकी कला शिक्षा किसकी छत्र छाया में हुई, कोलकाता में सुप्रसिद्ध एवं कला मर्मज्ञ अवीन्द्रनाथ ठाकुर की कला की छत्र छाया में हुई। आगे बढ़ते हुए बनारस के कला भवन और कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात दे पुनः इलाहाबाद आ गए। उन दिनों वहाँ पर डॉक्टर राय कृष्ण दास भारतीय संस्कृति और कला संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने शैलेंद्रनाथ डे की कला प्रतिभा को पहचान कर उन्हें कालिदास के महान काव्य ग्रंथ मेघदूत पर चित्रांकन करने का आग्रह किया। किस पर, कालिदास के महान काव्य ग्रंथ मेघदूत। मेघदूत उनकी जो है फेमस पेंटिंग है, उसका फोटो भी मैंने इसमें एडअप किया हुआ है, इसके नीचे यहाँ दिया। ये देखिए, ये है मेघदूत जो कि राय कृष्ण दास ने शैलेंद्रनाथ डे से आग्रह किया था कालिदास के महान काव्य ग्रंथ में बनाने के लिए, और यह पिक्चर उन्होंने बनाई थी। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और कुछ समय में ही उन्होंने मेघदूत विषय पर आधारित चित्रों की श्रृंखला तैयार कर ली। इसमें से कुछ चित्र राम गोपाल विजय वर्गीय संग्रह में मौजूद है। इनमें कुछ रेखा चित्र तथा स्वर और संगीत व नारी विषयक चित्र उल्लेखनीय हैं। कुछ चित्र तत्कालीन पत्रिका रूपम में भी छपे हैं। अब उनका जन्म हो गई, शिक्षा कहाँ हुई थी, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम उनकी कला यात्रा के बारे में जानते हैं कि उनकी कला की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे वह आगे बढ़ते गई। शैलेंद्रनाथ डे के प्रारंभिक चित्रों में यथा यशोदा और बालक कृष्ण में राजपूत एवं मुगल कला के निष्प्राण अनुकरणशील तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। कालांतर में जैसे जैसे उनकी कला पुष्ट होती गई, उनके रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहरी होकर उभरी। यक्ष पत्नी वनवासी यक्ष चित्र भी कोमल भाव दर्शाते हैं। चलते फिरते भाव मुद्रा नृत्य भंगिमा अन्य सुंदर चित्र हैं। अब उनके शिक्षक के रूप में उनका क्या रोल था, उसके बारे में हम जानते हैं। सन 1924 ईस्वी के लगभग शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एक शिक्षक के रूप में गए। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि सन 1924 ईस्वी में शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में एक शिक्षक के रूप में गए। यहाँ असित कुमार हालदार, ये भी एक बेहद फेमस चित्रकार हैं, जो उनके साथ कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ के भी शिष्य थे, प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। तो कौन, असित कुमार हालदार, जो कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ के शिष्य थे। और ये जो शैलेंद्रनाथ डे हैं, ये क्या थे, अवीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे कोलकाता में। तो प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। हालदार के पश्चात अपने ही आर्ट स्कूल की बागडोर संभाली और एक लंबे अरसे तक इस पद पर कार्य किया। अब जब असित कुमार हालदार के बाद जो है इन्होंने शैलेंद्रनाथ डे ने इस स्कूल की जो है कार्यभार को संभाला। श्री राम गोपाल विजय वर्गीय, श्री देवकी नंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभुनाथ मिश्र जैसे विख्यात चित्रकारों ने श्री डे से शिक्षा ग्रहण की।
सन 1951 ईस्वी में वे आर्ट स्कूल से सेवानिवृत्त हुए। कब सेवानिवृत्त हुए? 1951 ईस्वी में। तो राम गोपाल विजयवर्गीय प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए। तो इनके बाद कौन प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुआ? राम गोपाल विजयवर्गीय। अब इनके शिक्षक के रूप में इनका क्या अहम भूमिका थी, उनके बारे में हम सब कुछ जान लिया है। अब एक लेखक के रूप में इन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में जानते हैं। लेखक के रूप में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में प्राध्यापक रहने के दौरान आप अपनी भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में पर जब वो अध्यापक थे उस दौरान उन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारतीय चित्रकला पद्धति। अपने आंतरिक उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते, जिससे हम क्या नहीं हो सकते, कभी अलग नहीं हो सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला ही दृष्टि में आती है। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है उन्हीं वस्तुओं का वह कागज़, दीवार, पत्थर आदि पर रंग एवं तूलिका द्वारा चित्रित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक चित्र के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और वो बहुत दिन तक हमें याद भी रहता है। तो जब एक व्यक्ति कुछ भी देखता है और अनुभव करता है, उस चीज़ को फील करता है, तो वह किसी भी वस्तु, पहले के ज़माने में तो कागज़ होते नहीं थे तो लोग दीवार पे, पत्थरों पर, अब तो कागज़ हो गए हैं, कई तरह की जो है कैनवास आते हैं उस पर जो है रंग एवं तुलिका द्वारा चित्रित कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत दिन तक हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और हमारे दिमाग पर उसका छाप पड़ जाता है। चित्रावस्था के पश्चात हम उस निरीक्षण या अनुभव के मूल परिणाम को चित्र एवं उसके विज्ञान को चित्रकला कहते हैं। यूँ तो संसार ही चित्रमय है और हमारे मन में हर समय संसार का कोई ना कोई दृश्य अवश्य अंकित रहता है, और अनुभव होते हुए भी मनुष्य उसको नहीं पहचानता और इसलिए उसका वास्तविक सुख भी नहीं उठा पाता। तो यहाँ शैलेंद्र नाथ डे का कहना है कि यूँ तो पूरा संसार ही क्या है, चित्रमय, चित्रों से भरा हुआ है, पर हमारे मन में हर समय संसार का कोई ना कोई दृश्य अवश्य अंकित रहता है। मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि हम अपने मन में कुछ ना कुछ अवश्य जो है इमेजिनेशन करते रहते हैं, हमारे चित्र में कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, पर इतना अनुभव होते हुए भी हर व्यक्ति उस टैलेंट को, उस व्यक्ति की उस टैलेंट को नहीं पहचान पाता है और उसकी वास्तविकता का लाभ भी नहीं उठा पाता है, बहुत कम ही लोग उसे पहचान पाते हैं। जीवन के अनुभवों को निरीक्षण की परिधि में समेट कर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने रखता है उसे ही वस्तुतः चित्रकार कहते हैं। अपने जीवन के अनुभवों, उतार चढ़ाव, हर एक इमोशन को यूज़ करने के बाद उसका निरीक्षण कर समेट कर जो व्यक्ति उसको अपने पेंटिंग में रंग और रेखाओं के माध्यम से सामने रख देता है अपने जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल करके, उसे ही क्या कहते हैं, वस्तुतः चित्रकार कहते हैं। सही बात है, एक चित्रकार बनना भी आसान नहीं है, उसमें अपने जीवन के अनुभव जो व्यक्ति जितना ही अनुभवशील होता है उसके कार्य में उतनी ही ज़्यादा फाइनेंस होती है। अब हम उनके चित्र संग्रह के बारे में जानते हैं। आपकी उत्कृष्ट कलाकृतियाँ भारत कला भवन बनारस, मैसूर के जग मोहन लाल की चित्र गैलरी और पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय की निजी संग्रह में। तो इनकी उत्कृष्ट कलाकृतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं? भारत कला भवन बनारस, मैसूर के जग मोहन महल की चित्र गैलरी और पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय की निजी संग्रह में रखी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है और हमने शैलेंद्र नाथ डे के बारे में जान लिया है और समझ लिया है, उनके जीवन परिचय के बारे में समझा है और जाना है, जो कि आपकी परीक्षा की सभी कला की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ मैंने उनकी फेमस पेंटिंग में दूध की पेंटिंग्स ऐड, कलाकृति ऐड की है, जो कि देखने में ही बेहद ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में जानकारी दे सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छा करने की और दिन ब दिन बेटर करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।